A very good morning to you all. How are you? I hope you are good, and I know that your PTs are going on. So this is your revision video again of LS, as we have done so many revision of general knowledge. So this is the chapter number 4, that is the strategies for motivation. And yes, again, I hope with the smile on the screen, I put a little smile on your face also. So let's begin our class with a very short prayer, and after that we'll start our revision. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for protecting us and keep blessing on us. Thank you. Dear students, you know, when we are in a bad phase of our life, so we only believe that God is the only one who can remove us from all the pains and all the sufferings, fine. And just in case, if you like get a motivation from someone, motivation in what sense? Ki your exams are going on, this is not a bad phase, of course. This is just an examination to examine how much you have prepared yourself. So if you are going through a bad phase, or like we take an example, like you are going through your exams, and just in case agar aapko paper aata hai aur aap कुछ भूल गए करना, या आपको एट दैट टाइम आपको कुछ याद नहीं आया, सो यू गेट डीमोटिवेटेड कि मुझे आता था लेकिन मैं नहीं कर पाया, फाइन. और तो इससे आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, बहुत ज़्यादा बैड फील करते हो. बट सडनली योर मदर केम एंड योर फादर, योर पेरेंट्स यूजुअली, एंड वो आप बोलते कोई बात नहीं बेटा, जस्ट अबाउट ओनली वन मार्क और टू मार्क्स, एंड दीज आर ओनली पीटीज, जस्ट फोकस ऑन योर लाइक एनुअल एग्जाम्स और डू इट बेटर इन द नेक्स्ट एग्जाम. सो यू गेट मोटिवेटेड कि चलो ठीक है, माई पेरेंट्स आर विद मी. आपको एक अच्छा सा फीलिंग आती है ना कि चलो मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे, डांटेंगे नहीं, एटलीस्ट माई पेरेंट्स आर विद मी. बिकॉज इस टाइम अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कॉम्पिटिशन की बात करते हो तो वो आप भूल जाओ, बिकॉज यू डोंट नो कि हाउ दे आर गिविंग द एग्जाम्स. आर दे गिविंग द एग्जाम्स ऑन फेयर मीन्स, और दे आर यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स? उनके पेरेंट्स उनकी हेल्प करते हैं नहीं करते, और आप कैसे करते हो? सो देर आर डिफरेंट यू नो टेक्निक्स टू डू अ एग्जाम. सो आप ये नहीं कह सकते कि आपके पार्टनर ने, आपके फ्रेंड ने बहुत फेयर मीन्स से दिया होगा, बिल्कुल दिएगा. बट ड्यू इन दिस पैंडामिक अगर आप किसी से कॉम्पिटिशन करो, स्पेशल स्टडीज, तो इट्स यूजलेस, फाइन. कॉम्पिटिशन करना है तो और चीज़ों में करो कि दैट उस समय कोरोना वायरस में कितना ध्यान रखा, आपने कितना नहीं रखा, तो इस टाइप में करो, फाइन. चलो लेट्स बिगिन विद दिस, द स्ट्रैटेजीज फॉर मोटिवेशन. आई नो दैट द डेट इज 20th नवंबर, बिकॉज आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ द डेट, दैट्स व्हाई. तो हम यहाँ पे डेट आज की लिख लेते हैं, एंड टुडे इज 28th ऑफ जनवरी, फाइन. ओके, सो इसमें क्या बोल रखा है इन्होंने, जैसे इसमें शॉर्ट में बता देती हूँ आपको. हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि दैट आपको ऐसे लगता है किसी को आप देखते हो, सपोज आप किसी सेलिब्रिटी को देखते हो, आप किसी क्रिकेटर को देखते हो, या आपने अपनी फैमिली में किसी को देखते हो कि आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट, कि मुझे करीना कपूर जैसा बनना है, या मुझे अपनी मदर के जैसा बनना है, या मुझे कपिल देव जैसा क्रिकेट खेलना है, वट एवर एक्स वाई जेड, जो जिसके जैसा भी आप बनना चाहते हो. तो हम क्या करते हैं, हम यूजुअली उन्हें फॉलो करते हैं कि वॉट दे यूज टू वियर, जस्ट इन दिस इज द एग्जाम्पल फॉर सेलिब्रिटी, वॉट दे यूज टू ईट, हाउ दे डू देयर फिजिकल एक्सरसाइज, फाइन. अगर कोई हमारा क्रिकेटर है, या हमारे कोई और हमारा प्लेयर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो हम देखते हैं कि भाई वॉट दे यूज टू ईट फॉर अ प्रॉपर डाइट, उनका भी क्या फिजिकल स्टैमिना है, वो अपने आप को फिजिकली फिट कैसे रखते हैं, या वॉट आर द टेक्निक्स उनके खेलने की. और आपके मदर हैं, फादर हैं, या फैमिली में कोई भी है, तो वी यूजुअली ट्राई टू फॉलो देम, मतलब हम उनको फॉलो करते हैं और उस पर अप्लाई अपने आप को करने की कोशिश करते हैं कि दैट आई इफ आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट पर्सन, सो मुझे क्या क्या करना चाहिए, ठीक है. तो ये आपको इंस्पिरेशन मिलती है उनसे. यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करेंगे, इंस्पिरेशन, इंस्पायर, ठीक है ना. इंस्पिरेशन मिलती है हमें, ठीक है ना, हम उनसे इंस्पायर होते हैं, और हम फिर ये सोचते हैं कि हमें उनके जैसा बनना है. ओके, सो ये चीज हो गई आपकी, ठीक है. एक यहां पर सिचुएशन आती है, आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक दैट. आप क्या बोलोगे, आई लव माई सेल्फ, ठीक है, मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अपने आप से खूब ज़्यादा प्यार है, कि मुझे किसी के जैसा बनना नहीं है,
मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही अच्छी हूँ। अब सी देखो, अब मेरी ड्राइंग कितनी गंदी है कि मैंने एक हार्ट में भी कितना गंदा कलर करा है, ठीक है ना। तो ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं आपको ये क्या एग्जांपल दे रही हूँ, भाई मुझे पता है माय ड्राइंग इज़ नॉट गुड। अब गुड नहीं है तो नहीं है, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ बट आई कांट डू अ गुड ड्राइंग, ठीक है। तो ठीक है यार, आई लव माई सेल्फ, मुझे कोई इसमें टेंशन नहीं है कि मैं भाई ड्राइंग अच्छी नहीं करती या कुछ है, मुझे किसी के जैसा नहीं बनना, मैं अपने मुझे अपने जैसा बनना है, बस सिंपल। अब मैं बोलूँगी कि आई जस्ट लव माई सेल्फ, मुझे अपने जैसा बनना है। देखो यही सिंपल सा हार्ट भी कितना सा प्यारा लग रहा है। समटाइम्स इम्परफेक्शन, देर इज़ अ परफेक्शन एंड इम्परफेक्शन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी क्या कह रहे हैं, ऑल आर ड्रीम्स कम ट्रू इफ़ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरा एक ड्रीम है टू बी एन IAS ऑफिसर, ठीक है, टू बी एन IAS ऑफिसर। फॉर दैट मुझे क्या पढ़ना करना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, मुझे बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मैं बहुत पढ़ाई करूँ या मैं अपने सारे ड्रीम्स को अचीव करूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए लगता है टाइम, ठीक है, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ हो गया, करेज तो एटलीस्ट मैन में कि मैं एक उस लेवल पे सोच रही हूँ कि मुझे एक IAS ऑफर बनना है। तो योर ड्रीम्स कम ट्रू इफ यू हैव द करेज। तो देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ड्रीम्स एंड करेज। और ये जो ड्रीम्स, तो हम देख लेते हैं हमें करेज कहाँ से मिलता है। हमें करेज मिलता है मोटिवेशन से। कहाँ से मिलता है? मोटिवेशन से। मैं दोबारा दिख के बताती हूँ आपको, ड्रीम्स करेज एंड मोटिवेशन, गॉट इट? ड्रीम्स करेज एंड मोटिवेशन। ड्रीम्स तो आपने देखे, करेज कहाँ से है आपको सब पूरा करने का? मोटिवेशन से। फाइन, ओके। अब मोटिवेशन को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो लाइक आई डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ दैट वर्ड पर्टिकुलरली, इसलिए मैं सब बता रही हूँ आपको। हिंदी में बोलते हैं उसे प्रोत्साहित, प्रोत्साहन करना, कि मैं उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गई और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ उस चीज़ से, दैट इज़ नोन एज दी मोटिवेशन। फाइन, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मोटिवेशन साइकिल। सो मोटिवेशनल साइकिल क्या है आपकी? देखो जिसे बुक में लिखा हुआ है, टिपिकली अ मोटिवेशनल साइकिल स्टार्ट्स विद, पहले आपकी एक नीड होनी चाहिए, देन देयर शुड बी अ प्रॉपर मेथड और अ प्रोसेस टू अचीव इट, देन यू हैव टू अचीव द गोल एंड व्हाट इज द सेटिस्फेक्शन एंड क्रिएट्स द नीड फॉर द ड्राइव। ये साइकिल जो है वो आपकी चलती रहती है, बिकॉज आपकी नीड्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, नीड्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि दैट अगर आपकी कोई एक नीड है, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगी, देन यू हैव अदर नीड्स ऑल्सो टू बी सेटिस्फाइड, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे आपकी नीड है टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है, ये आपकी नीड हो गई। अब वॉट इज द प्रोसेस ऑफ द मेथड यू आर अचीविंग दैट यू आर स्टार्टिंग इट, आप प्रॉपर ट्यूशंस ले रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, वट एवर द यू आर डूइंग, दैट वेदर योर गोल इज अचीव्ड और नॉट, एंड एट लास्ट आर यू सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस और नॉट, ये आपकी नीड हो गई। एंड आफ्टर अचीविंग द गुड मार्क्स, ये आपकी फर्स्ट नीड, सेकेंड नीड आएगी कि दैट मुझे अब अच्छी जॉब करनी है, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर मुझे अच्छी जॉब करनी है, एक अच्छी लाइफ जीनी है। तो सो मेनी नीड्स आर देयर जो कभी भी आपकी फिनिश नहीं हो। फाइन, नेक्स्ट वी हैव ये एक्टिविटी थी जो हमने आपको होमवर्क में दी थी, दैट्स इट। तो अभी हम एक्टिविटी का रिविजन नहीं करेंगे, हम नीचे वाले पॉइंट पर आते हैं। अभी क्या, अ नीड इज समथिंग यू हैव टू, समथिंग यू कांट डू विदाउट। अ गुड एग्जाम्पल इज फूड, फूड आपकी नीड है। इफ यू डोंट ईट यू वोंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप ज़्यादा टाइम तक जिंदा भी नहीं रहोगे। तो अ वॉन्ट इज समथिंग यू वुड लाइक टू हैव, वॉन्ट और नीड में क्या डिफरेंस हो गया? नीड मीन्स कि ये आपकी ज़रूरत है, आपको चाहिए ही चाहिए, और वॉन्ट क्या हो गया कि दैट ओके इट्स माई वॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक आईफोन 11 चाहिए, ठीक है, ये मेरी वॉन्ट है, और मुझे खाना चाहिए, ये मेरी नीड है। तो जो नीड है मैं उसे पहले फुलफिल करूँगी। वॉन्ट, इफ आई हैव द पर्टिकुलर अमाउंट फॉर दैट थिंग तो मैं अपनी वॉन्ट को भी पूरा करूँगी। इट्स नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी बट इट वुड बी अ गुड थिंग टू हैव। अ गुड एग्जाम्पल इज म्यूजिक। Now some people might argue that music is a need because they think they can't do without it,
but you don't need music to survive. You don't need to eat, however, to survive. समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? अगर हम एग्जांपल लेते हैं म्यूजिक का, तो कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं कि नहीं, म्यूजिक हमारी जिंदगी है, म्यूजिक ये है, म्यूजिक वो है. तो म्यूजिक जीने के लिए जरूरी नहीं है. जीने के लिए क्या जरूरी है? आपका खाना. यू हैव टू ईट. ओके, नेक्स्ट. ये भी आपकी एक एक्टिविटी है जो मैंने आपको करने को दी थी, दैट इज थिंग्स आई वॉन्ट एंड थिंग्स आई नीड, बट ये अब रिविजन के टाइम हम नहीं करेंगे. फिर आती है हमारी मैस्लो हायरार्की नीड्स. मैस्लो हायरार्की नीड्स क्या कहती है? सी, मैं आपको इसको इस डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू डू द रीडिंग एंड ऑल. अब ये क्या आती है, देखो, हमारी सबसे पहली नीड होती है, दैट इज नोन एज दी साइकोलॉजिकल नीड्स. साइकोलॉजिकल नीड्स को हम ये भी कह सकते हैं, दीज आर आर बेसिक नीड्स. कैसी नीड्स है मेरी? बेसिक नीड्स है, ठीक है. बेसिक नीड्स में मेरा क्या क्या आता है? दैट इज रोटी, हम जिसे बोलते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. ये मेरी बेसिक नीड्स हैं जो मुझे चाहिए ही चाहिए. फाइन. देन आता है सेफ्टी नीड्स. अब जब मेरे पास खाना है, घर है, अब जब ये घर है, ठीक है, मेरे पास, आई एम हैविंग अ होम ऑल्सो, आई एम हैविंग अ फैमिली, एवरीथिंग मेरे पास है, देन वॉट इज द सिक्योरिटी ऑफ दिस? सिक्योरिटी भी तो करनी ज़रूरी है ना, कि जो मेरा घर है वो मेरी सेफ रहे, या जो जॉब है वो मेरी सिक्योर. ऐसे तो नहीं है कि मैं आज गया मुझे कल कोई निकाल देगा जॉब से, या फिर एक्सेट, जो भी रीजंस हैं हमारे, ठीक है, तो सिक्योरिटी आती है. फिर देन कम्स दी एस्टीम नीड्स, नहीं सॉरी एस्टीम नहीं, देन कम्स दी सोशल नीड्स. ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है. सोशल नीड्स में क्या आता है आपका? When I have this, then I need friends, family, society. ये सारी आती है मेरी social needs में. और आजकल तो you know social needs इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि लोग अपनी personal needs जो हमारे friends और family है basically इसको तो भूल ही गए हैं. Friends और society सब कुछ रह गया है. Then we have esteem needs. वो क्या कहते हैं? Esteem needs में there are two things. जब सब कुछ हो गया तो फिर मेरे पास स्टीम नीड्स जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल. एक्सटर्नल में हम इंटरनल की बात कर रहे हैं, तो इसमें आते हैं मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस. अगर मुझे मेरे में इतना ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कुछ अचीव कर सकूं, तो कैसे चलेगा, ठीक है, तो कैसे चलेगा, ठीक है. मतलब मेरा कॉन्फिडेंस, आई एम हैविंग कॉन्फिडेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्फिडेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड, ठीक है. और इफ़ यू हैविंग एटीट्यूड तो वो भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, इट शुड नॉट बी नेगेटिव एटीट्यूड. फाइन. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल की, तो देन आई वॉन्ट रिस्पेक्ट. जब मैं घर से बाहर जाऊँ, घर से बाहर ना भी जाऊँ, हम अपने फैमिली के साथ हैं, या हम अपनी जॉब प्लेस पर हैं, या हम किसी सोशल जगह पर हैं, या हम पब्लिक प्लेस पर हैं, तो व्हाट वी वांट? वी वांट अ रिस्पेक्ट. क्या कहते हैं? रिस्पेक्ट. कोई ऐसा तो नहीं है कोई अब्यूज़ कर रहा है हमारे लिए, या हमारे लिए कुछ गलत बोल रहा है. तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं जो हमारे इंटरनल एस्टीम नीड्स में आती हैं, ठीक है. नेक्स्ट एंड द लास्ट इज वी आर हैविंग द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. यूजुअली ये नीड जो होती है वो आपकी कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती, बिकॉज हम सारे के सारे 99% यहाँ पर आकर अटक जाते हैं. एक बात बताओ, आप रिस्पेक्ट किससे चाहोगे, या सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको किसके लिए चाहिए? व्हेन यू हैव टू टॉक टू सम पीपल. आप कमरे में अकेले बैठे हुए दीवारों से बात कर लो, दीवार आपको पलट के कुछ नहीं कहेगी. आप मिरर से बात कर लो, मिरर आपको पलट के कुछ नहीं कहेगा, ठीक है. तो जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं, जब हम सोसाइटी से मिलते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, या अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से मिलते हैं, तब हमारी सोशल नीड्स आती हैं, ठीक है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है व्हेन वी आर हैविंग द बिफोर स्टार्टिंग फोर नीड्स. जब मेरी पहली चार नीड्स पूरी हो जाएंगी, तब मैं आती हूँ अपनी लास्ट वाली नीड्स पे, जिसे हम बोलते हैं बिल्कुल सैटिस्फेक्शन. हर चीज से मैं हर चीज से सेटिस्फाई हूँ, तब मेरी ये वाली नीड आई, ठीक है. और वो हम कभी होते नहीं है. फाइन, चलो
द नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी, हम इसे छोड़ देंगे. फिर आती है हमारी मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज, जो आपका अभी का लास्ट टॉपिक है. ठीक है, अब मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज क्या है? पहले हमें एक न्यू स्किल डेवलप करनी है, फाइन. उसके बाद ट्रेन करना है अपने स्किल्स को, उसमें डेवलप करना है. जैसे सपोज वीडियो मेकिंग, ठीक है, वीडियो मेकिंग मेरे में ये मैंने एक स्किल डेवलप करी, फिर मैंने अपने आप को उसमें ट्रेन करा, देन मुझे फीडबैक मिला एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यानी कि कहाँ मैं जा रही हूँ, देन अप्लाई दी स्किल्स इन वेरियस फील्ड. अब वीडियो मेकिंग ऐसी तो नहीं है मैं सिर्फ बर्थडे वीडियो बनाती रहती हूँ, मैं कोई और ओकेजन की भी बना सकती हूँ, या मैं उसको शूट भी कर सकती हूँ, मैं दूसरे फ़ोन्स में भी कर सकती हूँ, लैपटॉप में भी कर सकती हूँ, तो मुझे हर चीज़ देखनी है. ठीक है, तो ये मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज होती है जो कभी भी मुझे एक जगह नहीं रुकना चाहिए. द बेसिक मोटिव इज कि मुझे एक जगह नहीं रुक. ठीक है, मोटिवेशन इज़ द ओनली थिंग जिससे मैं आगे भी बढ़ सकती हूँ, जिससे मैं गिर भी सकती हूँ. अगर मुझे कोई डीमोटिवेट कर देगा, अब डीमोटिवेट कैसे करेगा? देखो, डीमोटिवेट में भी है तो मोटिवेट ही. क्या होता है, कभी कोई मुझसे ये कह सकता है कि यू कांट डू दिस थिंग, तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते, तुमसे ये तो काम होगा ही नहीं, कोशिश भी मत करना. तो मेरे को एक चैलेंज सा लगता है, अरे ऐसे कैसे कह दिया उसने मुझे, मुझे तो करना है, मैं तो कर सकती हूँ. तो अल्टीमेटली मैं मोटिवेट हो जाती हूँ. बट समटाइम डीमोटिवेट्स लीड्स टू द डिप्रेशन सिचुएशन. कभी कभार वो इतना ज़्यादा सामने वाला पर्सन उसे नेगेटिव में ले लेता है कि वो उसकी डिप्रेशन सिचुएशंस आ जाती हैं, जो अपनी माइंड और हेल्थ के लिए दोनों के लिए ही अच्छी बात नहीं. थैंक. सो आई होप हमने इस चैप्टर का रिवीजन अच्छे से करा है और आप लोगों को सब समझ में भी आया है. लाइक दैट इज दी हैज वर्क स्टेइंग मोटिवेटेड. ये जो हम कहते हैं इसे एक्स एंड वाई थ्योरी बोलते हैं, जो आप लोगों के लिए अभी बिल्कुल समझ से बाहर है. तो आप इसे ये देखो, सम हाइजीन फैक्टर्स आते हैं एंड सम मोटिवेशनल फैक्टर्स आते हैं. हाइजीन फैक्टर्स क्या, कंपनी की पॉलिसी क्या है, क्वालिटी सुपरविजन, रिलेशन विद अदर्स, पर्सनल लाइफ, रेट ऑफ पे, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन, ये सारी चीज़ें. मैं आपको अब एक एग्जाम्पल देती हूँ. यहाँ पर देखो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है. यहाँ पर हम लेते हैं, मैंने आपको ना एक जॉब ऑफर करी. ठीक है, जॉब क्या है, मैं आपको 5 लाख रुपीज़ पर मंथ देने वाली हूँ. फाइन, बहुत खुश हो गए कि जी इतनी सैलरी हमें मिल रही है, वही इतनी सैलरी में तो वो काम करेंगे. बट माई कंडीशंस, लेट मी, मेरे कंडीशंस सुन लीजिए. यहाँ पर आपके जो वर्किंग आ रहा है वो 20 आवर्स है. ठीक है, आपकी जॉब एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप 5 साल से पहले अपने घर वापस नहीं जा सकते. ठीक है, द एरिया वे यू आर वर्किंग इज़ अ टेररिस्ट प्लेस. ठीक है, वहाँ पर यूजुअली टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं और आपकी जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है. वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं एक दूसरे की चापलूसी करते हैं और ये सब करते हैं. तो नाउ दीज आर द कंडीशंस, आर यू रेडी टू डू द जॉब? नो, योर आंसर इज नो. आई नो दैट कि आपका आंसर क्या है, नो. हम वहाँ पे ऐसी जॉब बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी सैलरी क्यों ना मिले. तो हम क्या क्या देखते हैं, हम कुछ हाइजीन फैक्टर्स देखते हैं और कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स देते हैं. ठीक है, अब ये तो एक दूसरी जॉब की बात होगी, और भी जॉब हैं जैसे अचीवमेंट, करियर, पर्सनल ग्रोथ, जॉब इंटरेस्ट, रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जो हम चीज़ें देखते हैं. ठीक है, अब फिर देखते हैं यहाँ पे कंपनी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आपको फैक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं. टू गेन सैटिस्फेक्शन, हस्बैंड क्या कहते हैं, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, अचीवमेंट कि हमने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करा है, वॉट इज़ माई करियर, मेरी पर्सनल ग्रोथ कितनी हुई है, कंपनी ग्रो कर रही है, एक सपोज आई एम अ टीचर इन ग्लोबल स्कूल ग्रो कर रहा है, बट वॉट इज़ माई पर्सनल ग्रोथ, मैंने क्या क्या उसमें अचीव करा. देन वॉट इज़ दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप लोगों के लिए, जॉब मेरे लिए, कि मैं कैसी जॉब कर रही हूँ, या कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप बिल्कुल मास्टर हो. देन रिकॉग्नाइजेशन एंड देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिकॉग्नाइजेशन मीन्स क्या, अभी कभी आपको अप्रिसिएशन मिला, लोगों ने आपको अप्रिशिएट करा अपने आपके काम के लिए. और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी ये इस थ्योरी में आती है. मैं बार बार बोल रही हूँ, हम इसे एक्स और वाई थ्योरी भी बोलते हैं. नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस और द वर्कशीट, जिसमें क्वेश्चन आएगा वो भी इसी तरीके से आएगा. डिफाइन मोटिवेशन, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोटिवेशन. तो आप आराम से लिख सकते हो कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन कितने तरीके का होता है, कौन कौन सी नीड्स होती हैं. तो
तो आपकी, मैं एक बार आपको और बता दूं, जो आपकी लाइफ स्किल है, लाइफ स्किल्स, आपका जीके का पूरा पेपर होना है 25 मार्क्स का, जिसमें से 20 मार्क्स की आपकी जीके है। जो 5 मार्क की लाइफ स्किल्स है वो ऐसे आएगी, जो आपका क्वेश्चन होएगा उसमें दो पार्ट होंगे, ठीक है, उसमें 2.5 मार्क्स एंड 2.5 मार्क्स, एक लेसन नंबर 4 से है, एक लेसन नंबर 5 से है। सिंपल, ढाई ढाई मार्क्स के आपके दोनों चैप्टर हैं। अब उसमें आपकी डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन करने के लिए आ सकता है, आपका शॉर्ट नोट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यू हैव टू पर्टिकुलरली राइट द शॉर्ट नोट और डेफिनेशन, ठीक है। लाइफ स्किल में आपको ये करना है। तो वी हैव रिवाइज बोथ द चैप्टर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम वंस अगेन, एंड डू योर बेस्ट एंड स्टे होम स्टे सेफ।